बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद एजाज खान अपने इंटरव्यूज के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। बिग बॉस 14 के सबसे दमदार और फर्स्ट फाइनलिस्ट प्रतिभागी बनने के बाद भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से एजाज खान को मजबूरन बीबी हाउस को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। वहीं देवोलीना भट्टाचार्य अब एजाज की जगह गेम को खेल रही हैं और अब दूसरे प्रतिभागियों की तरह एजाज खान के भी घर में रिटर्न करने की बातचीत चल रही है। वहीं हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में एजाज खान ने अपने रिटर्न स्ट्रेटजी और अपने टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बात की, जहां एजाज से पूछा गया कि अगर आप बिग बॉस के घर में वापस जाएंगे तब आपकी न्यू स्ट्रेटजी क्या होगी, जिसका जवाब देते हुए एजाज ने बताया कि वो कुछ भी प्लान नहीं करते हैं और उनकी ओरिजिनलिटी को ही दर्शकों ने पसंद किया है और अगर उन्हें घर में वापस जाने का मौका मिलेगा तो वो घर में प्रवेश करते ही गेम में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा एजाज से पूछा गया कि वो बिग बॉस 14 में किसको अपना कंपटीशन मानते हैं, जिसके जवाब में एजाज ने खुद का नाम लिया और कहा कि वो खुद को खुद का प्रतिद्वंदी मानते हैं। साथ ही पवित्रा पुनिया के लिए भी एजाज ने अपने प्यार का इजहार किया है और कहा कि वो अब पवित्रा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा एजाज खान अभी सिटी ऑफ ड्रीम्स के सीजन 2 की शूटिंग कर रहे हैं, जहां एजाज वसीम खान के रोल को निभा रहे हैं।